नमस्ते मित्रों, मैं सत्यव्रत आपको मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में स्वागत करता हूं। आज हम शिव महिम्न स्तोत्र के बारे में चर्चा करेंगे। शिव जी के महिम्न स्तोत्र में शिव जी के दिव्य स्वरूप एवं उनकी अपूर्व गुणों का वर्णन है। इस महिम्न स्तोत्र के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। एक समय में चित्ररथ नामक एक राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न प्रकारों के पुष्प लगे हुए थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा करते थे। एक दिन पुष्पदंत नामक एक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ जा रहे थे। उद्यान की सुंदरता ने उन्हें आकृष्ट कर लिया था। मोहित पुष्पदंत ने बाघ के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन राजा चित्ररथ को पूजा के हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हुए। बाघ के सौंदर्य से पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लगा। इस रहस्य को सुलझाने के राजा के प्रत्येक प्रयास विफल रहे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहे। राजा चित्ररथ ने एक अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिया। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी एक महान शिव भक्त था। अपनी गलतियों का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्र का रचना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर पुष्पदंत को दिव्य स्वरूप का पुनः प्रदान किया। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्यसदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अपि तदवसन्ना स्वयि गिरः अथावाच सर्व स्वमति परिणामावधि गृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। हे ब्रह्म, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हराने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र के द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूं, जो कि आपकी वंदना के योग्य न भी हो। पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। जिस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। अतीत पंथानम तव च महिमावान् मनसयोर् अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुणः कास्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कास्य न वचः। हे महादेव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं
और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है? यह जानते हुए भी आप आदि व अंत रहित है। परमात्मा का गुणगान कठिन है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। मधुस्मिता वाच परममृतम निर्मितवतः तव ब्रह्मन् किं वा अपि सुरगुरो विस्मय पदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। हे वेद और भाषा के सृजक, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ है, तो फिर मेरा कहना ही क्या है? हे त्रिपुरारी, अपने सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद हे देव, आप इस संसार के सृजक पालनकर्ता एवं विलयकर्ता है। तीनों वेद आपकी ही संगीता गाते हैं। तीनों गुण सतो रजो और तमो आपसे ही प्रकाशित है। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है। इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा आपके बारे में भ्रम फैलाने की प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। किमेह किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम् किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्येश्वरे हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क और वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके गुण क्या है, वो कैसा दिखता है, उसके क्या साधन है, वो इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। यह प्रश्न वास्तव में भ्रामक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता है। अजन्मानो लोका किम वयववन्तो पि जगता अधिष्ठातारं किम भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवन जननी कः परिकरो यतो मन्दास्त्वं प्राज्ञमरवर संशीरत इमे। हे परम पिता, इस सृष्टि में सात लोक है, जो कि भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महलोक, जनलोक एवं तपोलोक। इनका सृजन भला आपके बिना कैसे संभव हो सका? यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य है कि आप पर किसी प्रकार का संशय
नहीं किया जा सकता है। त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमग पाठ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिल नाना पथ जुषा विविध प्राणी सत्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न वेद पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, पर जिस प्रकार सभी नदी अनंत सागर में समाहित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हर मार्ग आप तक ही पहुंचाता है। महोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्मपणिनः कपालम चेति तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरस्तं तं वृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितं नहि स्वात्मानं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। हे शिव, आपके भ्रुकुटी के इशारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदाओं का भोग करते हैं, पर आपके स्वयं के लिए सिर्फ नंदी, कपाल, बाघांबर, त्रिशूल एवं नागमाला एवं भस्म मात्र है। अगर कोई संशय करे कि आप देवों के असीम ऐश्वर्यों के स्रोत हैं, तो आप स्वयं इन ऐश्वर्यों का भोग क्यों नहीं करते, तो इस प्रश्न का उत्तर सहज ही आप इच्छा रहित है तथा स्वयं में ही स्थित प्रज्ञ रहते हैं। ध्रुवम कश्चित् सर्वम सकलम परस्त्व ध्रुवमिदं परो द्रव्या द्रव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्ते तस्मिन् पुरमथन तैर्वीस्मित इव स्तुवन् जिह्रेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। हे त्रिपुर हंता, इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों के भिन्न भिन्न मत है। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है, अन्य इसे नित्यानित्य बताते हैं। इन विभिन्न मतों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित होती है, पर मेरी भक्ति आप में और दृढ़ हो जा रही है। तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरि विरिञ्चो हरिरथः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। एक समय आपके परम स्वरूप का भेद जानने हेतु ब्रह्मा एवं विष्णु क्रमश प्रत्येक दिशाओं में गए, पर उनके सारे प्रयास विफल हुए। जब उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया तभी आपको जान पाए। क्या आपकी भक्ति कभी विफल हो सकती है? नवृतरण कंडू परवशान शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणां भोरुह बले स्थिराया त्वद्भक्ते त्रिपुर हर विस्फूर्जितमिदं। हे त्रिपुरांतक, दशानन रावण किस प्रकार विश्व को
शत्रु विहीन कर सका। उसके महाबाहु हर पल युद्ध के लिए व्यग्र रहे। हे प्रभो, रावण ने भक्तिवश अपने ही शीश को काट काट कर आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया। यह उसी भक्ति का प्रभाव था। हे शिव, एक समय उसी रावण ने मद में चूर आपके कैलाश को उठाने की धृष्टता करने की भूल की। हे महादेव, अपने सहज पांवों के अंगूठे मात्र से उसे दबा दिया। फिर क्या था, रावण कष्ट में रुदन करा उठा। वेदना ने पटल लोक में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः आपके शरणागति के बाद ही वह मुक्त हो सका। यद्रुद्धिं सुत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सतिम् अधश्चक्रे बाण परिजन विधेय श्रीभुवन हे शंभो, आपकी कृपा मात्र से ही वाणासुर दानव इंद्रादि देवों से भी अधिक ऐश्वर्यशाली बन सका तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, आपके भक्ति से क्या कुछ संभव नहीं है। अकांड ब्रह्मांड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेय त्रिनयन विषम संवृतवतः सकलमाशः कंठे कवन कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिनः। देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन किया था। समुद्र से मूल्यवान वस्तुएं प्रकट हुई जो देव तथा दानवों ने आपस में बांट ली। पर समुद्र से अत्यधिक भयावह कालकूट विष प्रकट हुआ तो असमय ही सृष्टि समाप्त होने का भय उत्पन्न हो गया और सभी भयभीत हो गए। हे महादेव, तब आपने संसार की रक्षा के लिए विषपान कर लिया। वह विष आपके कंठ में निष्क्रिय होकर पड़ा है। विष के प्रभाव से आपका कंठ नीला पड़ गया। हे नीलकंठ, आश्चर्य है कि यह स्थिति भी आपकी शोभा ही बढ़ाती है। कल्याण कार्य सुंदर ही होता है। नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीषत्वां नितरसुरसाधारणमभूत् स्मरस्मर्तव्यात्मा नहि वशिशुपत्र परिभवः। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो। पान का परिणाम हितकर नहीं होता। महीपादाघाता प्रजति सहसा संशय पदम प
पदम विष्णुर्ब्राह्म्यत् भुज परिघरुग्ण ग्रह गणम् मुहुर्द्युर्दोस्यं याति निभृत जटा ताडित कटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पांव के नीचे धरा कांप उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह व नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य ही है, हे महादेव, आपकी अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। वियद्व्यापी तारा गण गुणित फेनो द्रमरुचि प्रवाहो वाराम्य पृषत लघु दृष्ट शिरसिते जगत द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमी त्यनेनैवो नेयं द्रुतमहिमदिव्यं तव वपुः। आकाश गंगा से निकलती, तारा गणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है, पर यह तूफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टिगोचर होती है। यह आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। तदथ क्षोणी यंता शतद्रुतिर गेन्द्रो धनुरथो रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणी शर इति दिधक्षोस्ति कोयं त्रिपुर द्रोण माडंबर विधिर विधेयै क्रीडन्त्यो नखलु परतंत्रा प्रभुदियः। हे सदाशिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा जी को सारथी, सूर्य चंद्र को पहिया एवं स्वयं इंद्र को वाण बनाया। हे शंभो, इस बृहत प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी की सहायता की क्या आवश्यकता? हरिस्ते साहस्रम कमल बलि माधाय पदयुः यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम् गतो भक्त्युद्रेक परिणतिमसौ चक्र वपुषा त्रयाणां रक्षा जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्र कमलों एवं सहस्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से श्री हरि ने अपने एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यह अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। क्रतो सुप्ते जाग्रत त्वमसि फल योगी क्रतुमतां क्वकर्म प्रत्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते क्रतुषु फलदान प्रतिभुवं श्रुतो
देवाधिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्म तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं तथा यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपतिर्धीश सनुवृताम् ऋषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्या सुरगणः क्रतुभृशस्त्वत्त क्रतुफल विधान व्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखः। हे प्रभो, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, तदापि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो और आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित थे तथा अनेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए थे, फिर भी शिवजी के अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भले ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्यों ना हो। स्वलावण्या शंसा द्रुतधनुष महनाय तृणवत् पुरः पृष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपको योग्य होने पर शंका उत्पन्न हुई। यह शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखलाने की कोशिश की थी तो आपने कामदेव को जला के नष्ट कर दिया। स्मशानेश्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरः चिता भस्मालेपः स्रगपि नृक रोटी परिकरः अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामैव मखिलं तथापि स्वर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म को लेप करते हैं तथा मुंड माल धारण करते हैं। यह सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं, तब भी हे शमशान निवासी, आपके भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी एवं आनंददायी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में तनिक भी विलंब नहीं करते। मनः प्रत्यक्षित्ते सविधम अवधायात मरुतः प्ररुष्य द्रोमाण प्रमद सलिलोत्संगित दृशः यदा लोक्यालादं हृदैव हे योगीराज,
मनुष्य नाना प्रकार के योग्य पद्धति को अपनाते हैं, जैसे कि सांस पर नियंत्रण, उपवास, ध्यान इत्यादि। इन योग क्रियाओं द्वारा वो जिस आनंद, जिस सुख को प्राप्त करते हैं, वह वास्तव में आप ही है। हे महादेव, आप ही सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, जल एवं वायु है। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञान नहीं जो आप ना हो। त्रयीं तिस्रो वृत्ति त्रिभुवन मथो त्रीनपि सुरान् आकारादैर्वर्णै त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति हे सर्वेश्वर, ओम तीन तत्वों से बना है, अ उ म, जो तीनों वेदों में ऋग, शाम और यजु तथा तीन अवस्था जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, तीन लोकों स्वर्ग, नरक और पाताल, तीन कालों भूत, वर्तमान, भविष्य, तीन गुणों सत्व, रज और तमो तथा त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इंगित करता है। हे ओमकार, आप ही त्रिगुण, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिअवस्था और त्रिवेदों के समागम है। भव शर्वो रुद्र पशुपतिरथो ग्र सह महान् तथा भीमेशाना वितियदभिधाराष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवाश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणिहित नमस्योऽस्मि भवते। हे महादेव, वेद एवं देवगण आपकी इन आठ नामों से वंदना करते हैं। भव, सर्ब, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम एवं ईशान। हे शंभो, मैं भी आपकी इन नामों से स्तुति करता हूँ। नमो निधिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो, नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः, नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो, नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। हे त्रिलोचन, आप अत्यधिक दूर है और अत्यंत पास भी है। आप महाविशाल भी है तथा परम सूक्ष्म भी है। आप श्रेष्ठ भी है तथा कनिष्ठ भी है। आप ही सब कुछ है, साथ ही आप सभी कुछ से परे भी है। बहल रज से विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः, प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः,
जन सुख कृते सत्त्वोद्रिक्तौ नुडाय नमो नमः। ब्रह्महसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। हे शंभो, मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजनकर्ता जानकर आपका नमन करता हूँ। हे हर, मैं आपको तमस गुण से युक्त विलयकर्ता मान आपको नमन करता हूँ। हे शंभो, आप सतोगुण से व्याप्त सभी का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश है। परमात्मा में आपको इन तीन गुणों से परे जानकर शिव स्वरूप में नमस्कार करता हूँ। कृश परिणति चेतः क्लेश वश्यं क्वचेदं क्वच तव गुण सीमोल्लंघिनी शश्वद्रुद्धि इति चकित ममंदी कृत्य मां भक्ति राधा। वरद चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहार। हे शिव, आप गुणातीत हैं और आपका विस्तार नित बढ़ता जा रहा है। अपनी सीमित क्षमता से मैं कैसे आपकी वंदना कर सकता हूँ, पर भक्ति से ये दूरी मिट जाती है तथा मैं अपनी करकमलों में अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। असित गिरि समं कज्जलं सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। हे महादेव, यदि नीले पर्वत को समुद्र में मिलाकर स्याही तैयार किया जाए, देवताओं के उद्यान के वृक्ष की शाखाओं को लेखनी बनाया जाए और पृथ्वी को कागज बनाकर भगवती शारदा देवी अर्थात सरस्वती देवी अनंत काल तक लिखती रहें, तब भी हे प्रभु, आपके गुणों का संपूर्ण व्याख्यान संभव नहीं होगा। असुर सुर मुनिन्द्रे अर्चितस्येन्दु मूले ग्रथित गुण महीनो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठ पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार। इस स्तोत्र के रचना पुष्पदंत गंधर्व ने चंद्रमौलेश्वर शिवजी के गुणगान के लिए की है, जो गुणातीत है। अहर हर नवद्यं धूर्जते स्तोत्रमेत पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्यः सभवति शिवलोके रुद्र तुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च। जो भी इस स्तोत्र को शुद्ध मन से नित्य पाठ करता है, वह जीवन काल में विभिन्न ऐश्वर्यों का भोग करता है तथा अंततः शिव धाम को प्राप्त करता है तथा शिव तुल्य हो जाता है। महेशान्ना परो देवो
अद्वैत ब्रह्म स्वरूप शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम स्तोत्र से श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं, ओमकार से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, तथा गुरु से ऊपर कोई सत्य नहीं। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीन्। दान, यज्ञ, ज्ञान एवं त्याग इत्यादि सत्कर्म इन स्तोत्र के पाठ के 16वें अंश के बराबर भी फल नहीं प्रदान कर सकते। कुसुम दशन नामा सर्वगंधर्व राजः शिशु शशिधर मौले देव देवस्य दासः सखलु निज महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदं कार्षीत् दिव्यं महिम्नः। पुष्पदंत नामक गंधर्व का राजा चंद्रमौलेश्वर शिवजी का परम भक्त था। अपने पुष्प के चोरी के अपराध के कारण वह अपने दिव्य स्वरूप से वंचित हो गया। तब उसने इस स्तोत्र की रचना कर शिवजी को प्रसन्न किया तथा अपने दिव्य स्वरूप को पुनः प्राप्त किया। सुरवर मुनि पूज्यं स्वर्ग मोक्षैक हेतु पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलि नान्यचेतः व्रजति शिव समीपं किन्नरैस्तूयमानः तवनमिदं मोघं पुष्पदन्त प्रणीतम्। जो इस स्तोत्र का पठन करता है वो शिवलोक पाता है तथा ऋषि मुनियों के द्वारा भी पूजित हो जाता है। पुष्पदंत रचित यह स्तोत्र दोष रहित है तथा इसका नित्य पाठ करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। ये स्तोत्र शंकर भगवान को समर्पित है। प्रभु महादेव हमसे प्रसन्न हो। तव तत्त्वं न जानामि किदृशोऽसि महेश्वरः यादृशोऽसि महादेव हे महादेव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। हे शिव, आपके उस वास्तविक स्वरूप जिसे मैं नहीं जान सकता उसको नमस्कार है। एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम यः पठ
जो इस स्तोत्र का दिन में एक या दो या तीन बार पाठ करता है वो पाप मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। श्री पुष्प दंत मुख पंकज निर्गते न स्तोत्रे पुष्पदंत द्वारा रचित ये स्तोत्र शिवजी को अत्यंत प्रिय है। इसका पाठ करने वाला अपने संचित पापों से मुक्ति पाता है।